सो हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रेडियंट शेड के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है फॉर बिगिनर्स जिनको शेडिंग नहीं आती है, एंड इफ आती भी है तो परफेक्शन नहीं। सो आपको शेडिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वीडियो के बाद चेकआउट कर लेना। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए करते हैं स्टार्ट, और जो लोग चैनल पर रहे हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो आज की वीडियो में जो मैं शेड करने वाला हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स दी हैं जिनसे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक वॉच करना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। सो गाइस, डार्कनेस और ये ग्रिड टोन के बारे में ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में मैं बता चुका हूँ, सो वीडियो के बाद चेकआउट कर लेना। सबसे पहले मैं इन ज्योमेट्रिकल शेप्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो गाइस, शेप्स ड्रॉ हो चुकी हैं एंड लेट्स स्टार्ट द शेड। तो गाइस, अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस, जहाँ पर डार्कनेस है वहाँ पर डार्क शेड देंगे एंड जहाँ पर लाइटनेस है वहाँ पर लाइट शेड देंगे। एंड पेंसिल का प्रेशर कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ पेंसिल को आपको हमेशा पीछे से पकड़ना है, जिससे कि आपका जो प्रेशर है वो उस पर कंट्रोल रहेगा। ऑब्जेक्ट की शेडो को आपको डार्कनेस के साथ फिनिशिंग देना है। डार्कनेस और लाइट टोन का जितना ज़्यादा ध्यान रखोगे ना, ऑब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा 3D लगेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप ये शेडिंग सीख जाओगे ना तो पोर्ट्रेट भी इजीली शेड हो जाएगा। सेम चीज़ है लाइक डार्कनेस, टोनिंग एंड टेक्सचर्स। आई होप गाइस कोई डाउट्स तो होंगे नहीं, अगर अभी भी कोई डाउट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर DM कर सकते हो। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज यहाँ पर ऐसे ही आर्ट रिलेटेड डेली अपडेट्स आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो गाइस, ये शेप्स शेड हो चुकी हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको अपनी शेडिंग में गारंटेड परफेक्शन देखने को मिलेगा। तो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मेरे कुछ स्टिल लाइफ्स हैं जो कि मैंने सेम टेक्निक यूज़ करके शेड किए हैं। स्टिल लाइफ को कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना टू गेट नोटिफाइड अबाउट ऑल अवर लेटेस्ट न्यू अपडेट्स। तो मिलते हैं एक और न्यू अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।